हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम इम्प्रूवमेंट पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हम उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप जाके उस वीडियो का लिंक ऐसे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम लोगों को अब आगे पढ़ना था, देखिए, मैथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि किस किस मेथड से आप इसका कंसंट्रेशन कर सकते हैं। जब इसका बात आता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो लगभग सबके दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी। आखिर मोलारिटी, मोलालिटी ये सब होता क्या है, नॉर्मेलिटी ये सब होता क्या है। तो आज हम लोग वो सब चीज़ देख लेंगे बहुत ही बढ़िया से, सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन, आखिर मोलर कंसंट्रेशन होता क्या है। तो द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलारिटी, मतलब कि आपका जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसंट्रेशन में जो मेथड है वो आपका मोलर या फिर मोलारिटी ही होती है। आप इस डिफिनेशन को छोड़ दीजिए, हम आपको सिंपल सी डिफिनेशन में आपको इसका परिभाषा समझाते हैं, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे समझिए कि आखिर मोलारिटी कहते किसे हैं। जैसे कि 1 ग्राम सोल्यूट को अगर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर दिया जाए, मतलब 1 ग्राम सोल्यूट को अगर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर दिया जाए तो उस सोल्यूशन को मोलारिटी कहते हैं। सोल्यूशन तो आप लोग समझते ही होंगे, सोल्यूशन इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोलारिटी एक सिंपल सी भाषा है, 1 ग्राम सोल्यूट को अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन को मोलारिटी कहते हैं। तो किसी भी सैंपल को या किसी भी सॉल्यूट को अगर आप डिजोल्व करते हैं तो वो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलारिटी हो जाएगी। तो अब इसका डिफिनेशन देखिए, देखिए द मोलारिटी एम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो हमारा 1 ग्राम सॉल्यूट मौजूद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। अगर इसे हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे देखिए आपका ये मोलारिटी आखिर है क्या, मोलर कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस कंटेंड द 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मोल प्रति लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ गया आपको। C बराबर n बाई वी, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि 1 ग्राम सॉल्यूट को अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग डिजोल्व करते हैं तो उसे उस सॉल्यूशन की मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलालिटी इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन क्रॉसपॉन्डिंग टू अ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलर मोलारिटी और मोलालिटी में बस कुछ ही डिफरेंस है, जैसे कि आपका ये जो मोलल कॉन्सेंट्रेशन होता है ये 1 kg सॉल्वेंट में होता है, और आपका ये जो मोलारिटी होता था 1 लीटर सॉल्यूशन में होता था। यह जो छोटा सा आपका जो डिफरेंस है यही आप लोग याद रखिएगा, क्या, मोलारिटी में 1 लीटर जो होता था वो सॉल्यूशन होता था, और इसमें 1 kg जो होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, इसमें आपका मास होगा और इसमें आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। और कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मोलारिटी इन केमिस्ट्री इन मोल पर केजी, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। इसमें आप यह बोल सकते हैं 1 ग्राम सॉल्यूट को अगर हम 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो जो उस सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी। आप लोग इसे भी देख लीजिए फॉर्मूला के हिसाब से, ये आपका हो गया मोलालिटी, मोलालिटी एम। देखिए मोलल कंसंट्रेशन इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि जो आपका मोल्स होगा सॉल्यूट का वो पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। मोलालिटी को हम लोग छोटा एम से ने, क्या नाम है, इसका सिंबल हो गया आपका छोटा एम। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट, वो भी क्या, इन केजी, मतलब केजी में होगा आपका सॉल्वेंट। और इसमें करना क्या होता है, देखिए फर्स्ट आपका करना क्या होगा, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले आप सॉल्यूट का मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर उसका मोल्स कितना है, तभी ना फॉर्मूला में आप पुट करेंगे।
और नेक्स्ट कन्वर्ट टू केजी, अगर आपका ये ग्राम में दिया होगा तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे केजी में। लास्ट प्लग द अप्रोप्रिएट वैल्यू इनटू द करेक्ट वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, उसके पास आप इसके वैल्यू को फॉर्मूला में रख के इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो मोलालिटी और मोलालिटी में ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है और सब एक सिंपल सा लैंग्वेज है, बस आपको समझना होता है। इसके आगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग पढ़ना होता है नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही मतलब मज़ेदार टॉपिक है, नॉर्मेलिटी बहुत ही इसमें निकालना होता है। तो ठीक है, हम इसको आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी निकाल के हम आपको बताएंगे कि आखिर नॉर्मेलिटी निकाला किस तरह जाता है। देखिए नॉर्मेलिटी इज ए नॉर्मेलिटी इन केमिस्ट्री इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन यूज्ड इन मेजर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो जब हम आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जब लैब करेंगे आप लोग, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस आप लोगों को नापना होगा कितना निकालना होगा, तो वो सब आप नॉर्मेलिटी से ही निकालेंगे। आप इस डिफिनेशन को छोड़िए, हम आपको सिंपल सी डिफिनेशन बता रहे हैं आखिर नॉर्मेलिटी कहते किसे हैं। जैसे आप समझिए अपने आप में कॉन्सेंट्रेशन की तो एक यूनिट होती ही है आपकी, ये नॉर्मेलिटी जो होती है अपने आप में एक कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है, जिसकी डिफिनेशन हम लोग बोलते हैं, तो इसका डिफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसमें भी आप लोग का लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है इन केमिस्ट्री द इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन और नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाई एन इक्विवेलेंस फैक्टर। आखिर इक्विवेलेंस फैक्टर भी आप लोगों का कैसा निकलता है, अगर हम आप लोगों के लिए एग्जाम्पल से एग्जाम्पल द्वारा समझाएं, इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल द्वारा समझाएं कि 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपने आपने लिखा है आपको कितना सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अब आप समझिए एक नॉर्मल आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा ये 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा n इक्वल टू ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह आप लोग इसका फॉर्मूला निकाल लीजिएगा तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये तो कट जाएगा आपका ना, 1000 से 1000 ये आपका कट जाएगा, बचा क्या वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इसका आखिर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, देखिए ग्राम यहाँ पे छूटा है आपका, ठीक है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे कैसे, यहाँ पे बट्टा होगा मॉलिक्यूलर वेट बाई एसिडिटी या बेसिडिटी। हम लोग को निकालना है किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का हम लोग को निकालना है। तो इसमें H2 है तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, इसलिए। और इसका देखिए आप क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा H2SO4 का, 98 एसिडिटी हो गया 2/2 बराबर में कितना आ गया 49 ग्राम। 49 ग्राम आपका क्या निकल गया, आपका इक्विवेलेंट वेट निकल गया 49 ग्राम। जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करिएगा तो n इक्वल टू हम लोग को निकालना कितना है एक नॉर्मल का, तो यहाँ पे आप देखिए एक नॉर्मल का निकालना है, छोड़िए कॉलर बाद में चेंज होगा, आप लोगों को निकालना कितना है एक नॉर्मल का। जब आप लोग एक नॉर्मल इक्वल टू वेट कितना है इसका, जब आप लोग इसका वेट वेट ही तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है, और कितना में एक नॉर्मल का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपका कितना आया, आपका आया 49। तो बाई में आप 49 लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे, ठीक है। अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा क्या, ग्राम वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 49 ग्राम निकलेगा, निकला ना, कितना में निकला 1000 ml में निकला, 1 लीटर में निकला आपका कितना 1 नॉर्मल। देखिए अब ये तो आपका निकल गया, ये सब आपका वॉल्यूम में है, ये 1000 ml आपका वॉल्यूम में हुआ, 1 नॉर्मल आपका वॉल्यूम में हुआ, ये 49 ग्राम ये आपका मास हो गया, ये वेट में हो गया। तो इसलिए आपको इसको भी तो बदलना होगा ना वॉल्यूम में, तो इसको हम लोगों को वॉल्यूम में बदलने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। डेंसिटी डेंसिटी इक्वल टू आपका हो गया मास बाई वॉल्यूम एम बाई वी। तो हम लोग को ये तो मालूम है ना, हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी और मास हम लोग को मालूम है। तो जब आप लोग डी इक्वल टू 49 बाई वी करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वी इक्वल टू आपका हो जाएगा 49 बाई डी। जब इसका डेंसिटी आप लोग देखिएगा H2SO4 की जो डेंसिटी आखिर होती क्या है, तो वो डेंसिटी निकलेगा 1.89।
ठीक है, अब इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो वी इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 26 ml। आपका वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 26 ml। तो ये कितना के लिए निकला, तो ये आपका 1000 ml के लिए निकला। हम लोगों को कितना के लिए निकालना होता है, 100 ml के लिए निकालना होता है। तो जब हम लोग इसे 100 ml के लिए निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 10 बचेगा ना, तो यहाँ पे 2.6 हो जाएगा। 2.6 ml आपका 100 ml में डिजॉल्व करेंगे तब आपका बनेगा 1 normal sulfuric acid। ठीक है, नॉर्मेलिटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी। आप लोग को देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी हमने समझा दी, एग्जांपल को भी आप लोग दोबारा रिपीट कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो होता है वो होता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में जो पढ़ना होता है, जैसे कि वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वेट को समझिए, वेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट वेट बाई वेट लाइक बिफोर दिस स्टैंड्स ऑफ वेट पर वेट। वेट बाई वेट का मतलब यही होता है कि जैसे वेट बाई वेट, जैसे कि कोई हम लोगों का सॉल्यूट भी हो गया वेट में ही, जैसे ग्राम में, और सॉल्यूशन भी हम लोगों का ग्राम में, तो वो हो जाएगा आपका वेट बाई वेट। आखिर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेशन क्या होता है, परसेंट क्या होता है, तो वो समझिए, जैसे वेट बाई वॉल्यूम बोल रहा है ना आपका, तो ऊपर आपका वेट हो जाएगा जैसे केजी में, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा लीटर में, क्या हो जाएगा नीचे आपका लीटर में हो जाएगा। और यही आपका वी बाई वी परसेंट देखिएगा तो आपका जो होगा, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट वॉल्यूम को समझिए, ऊपर भी आपका वॉल्यूम होगा क्या, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका मिलीलीटर में होगा, फिर नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में क्या होगा आपका 100, इनटू में क्या होगा आपका 100, तो आपका होगा वी बाई वी मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप लोग समझ गए। हम लोग का जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है हम लोग का फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन को भी हम लोग हम आपको इजी लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं, इसको आप लोग मन देखिए। ठीक है, इसके नीचे देखिए, देखिए ये जो आपका फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इट फॉर्मल इज सिमिलर टू द मोर फैमिलियर मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन डैट इट इज कैलकुलेट एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आपका मतलब टू कॉपी मोलारिटी की तरह होता है फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसका फॉर्मूला देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, हम लोग को सॉल्यूट का वेट ज्ञात करना है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग का आखिरी सॉल्यूशन है कितना मिलीलीटर में, इनटू फॉर्मल वेट, इनटू मतलब उसका जितना फॉर्मल वेट आपका होता है। देखिए, फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन आर नोटेड विद द सिम्बॉल ऑफ एफ, जो आपका फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका सिम्बॉल क्या होता है, एफ होता है, मतलब कैपिटल एफ है आपका, स्मॉल एफ नहीं है। द फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मेलिटी इज अप्लीकेबल टू द आयनिक सब्सटेंस। इसका मतलब आपका ये हुआ, ये जो आपका फॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये आपका कहाँ लागू होगा, आयनिक सब्सटेंस पे लागू होगा, अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसके फॉर्मूला को नहीं समझे तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें, जैसे एक लीटर घोल में किसी पदार्थ के मोल की संख्या के रूप में की जाती है, किसको, फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन को। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू फॉर्मल वेट। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी आपका जैसे मोलारिटी को आपने हमने समझाया सेम उसी तरह होता है आपका फॉर्मेलिटी। यहाँ पे एग्जांपल आपका दे दिया है, वेल यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट यूज इट एज अ सैंपल ऑफ फॉर्मूला वेट 100 ग्राम बाई मोल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका ये एग्जांपल आखिर कहाँ का रहा है, अगर किसी के पास 1 ग्राम CaCO3 है, ओके, अगर किसी के पास 1 ग्राम CaCO3 है तो मतलब निश्चित होगा कि CaCO3 सांद्रता है इसका। ओके, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग गया है 1 ग्राम CaCO3 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम की बात किया गया यहाँ पे, 100 ग्राम पर मोल, तो 100 ग्राम CaCO3 पर मोल हो गया आपका बाई 1 लीटर। तो आप इसका फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला निकाल के कितना लगा सकते हैं, 0.01 फॉर्मल CaCO3 आपका निकल गया। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग को इतना ही पढ़ना था एक्सप्रेसिंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन।
मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में। देखिए अगर आप लोगों ने समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ। मोलारिटी, ये जो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी होता है 1 ग्राम सॉल्यूट को अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग डिजोल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे, उसका मोलारिटी बोलेंगे। अब वहीं पे जो मोलालिटी होता है आपका, ये जो मोलालिटी आपका हुआ, मोलालिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे जो हम लोग इस सॉल्यूट के मोल्स को 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते थे, वहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम अगर हम लोग डिजोल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन का ये क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। और ये उसका ये लीटर का क्या हो गया, मोलारिटी हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ना है। ये जो हो गया आपका नॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी में आप लोग इतना याद रखिएगा, जैसे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला भी आपका ये भी याद रख सकते हैं, एन इक्वल टू एम इंटू एन, ये सिंपल है। बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल में ये लिखा गया है, ये किसी भी आपका प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसमें आपका ये सिंपल सा लागू हो जाएगा और निकल भी जाएगा। उसके बाद ये आपका वेट बाई वेट मतलब मास बाई मास होगा, वेट बाई वॉल्यूम मतलब मास बाई वॉल्यूम होगा इन लीटर, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब लीटर बाई लीटर इंटू 100 होगा आपका। ठीक है, इसमें भी कुछ ना है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी आप लोग ये समझ ही गए, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू फॉर्मूला ऑफ वेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।